नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं पराठा टाइम्स। मुंब्रा बाईपास पर लूट की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले दिनों बाईपास पर दो लुटेरों ने अस्तूरा दिखाकर ट्रक चालकों को लूटने की कोशिश की थी, जिसे मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं एक बार फिर मुंब्रा बाईपास पर लूट की घटना सामने आई है। 11 नवंबर की रात 3 बजे मुंब्रा देवरी पाड़ा के रहने वाले 5 लोगों ने बाईपास टोल नाके पर तलवार चाकू रॉड से हमला कर एक ट्रक चालक को लूट लिया। इसके बाद एक दूसरे ट्रक चालक को तलवार चाकू से हमला कर लूट रहे थे। इसी दौरान पेट्रोलिंग कर रही मुंब्रा पुलिस पहुंच गई। लूटपाट करने वाले ये 5ों ऑटो रिक्शा में भागने लगे, मगर मुंब्रा पुलिस ने ऑटो रिक्शे के साथ इन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इन लुटेरों के हमले से घायल दोनों ड्राइवरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। रात में और 11 तारीख के मॉर्निंग में सुबह 3 बजे के करीब मुंब्रा में रहने वाले कुछ 5 लोग हैं, इन्होंने 2 ट्रक ड्राइवर को तलवार चाकू और रॉड के जरिए डरा कर धमका कर मारपीट करके उनसे मोबाइल और कैश और ऐसा सामान छीन लिया। तो टोटल 9,500 की ये डकैती का मामला हमारे पास कंप्लीट आने के बाद केस रजिस्टर्ड किया। उसी वक्त जो हमारे पेट्रोलिंग पर स्टाफ थे, बीट मार्शल और मोबाइल डीबी स्टाफ, उन्होंने पीछा करके वो कुछ डिस्टेंस पर ऑटो रिक्शा में भाग रहे थे आरोपी, उसी वक्त स्पॉट पर पकड़ लिया और इनसे लूटी हुई कैश, मोबाइल और जो उन्होंने क्राइम करते वक्त इस्तेमाल किया हुआ वेपन तलवार रॉड ये सब चीज़ें जब्त की है। इनको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। 15 तारीख तक ये रिमांड में श्रीलंका बस्ती कॉलोनी जो है यहाँ के रहने वाले हैं मुंब्रा के, तलवार से वार किया है, दोनों डिस्चार्ज है। एक ड्राइवर सातारे का है और एक यासीपाटे में रहने वाला है, प्रॉपर यूपी का है वो। वहीं इस मामले की जांच कर रहे मुंब्रा पुलिस के पीआई गुल अफरोज मुजावर ने इन लुटेरों से मोबाइल सहित यानी सब कुछ मिलाकर 9,500 रुपए बरामद किए हैं। ये लोग मुंब्रा के देवरी पाड़ा के रहने वाले हैं, जिनका नाम जफर मोहम्मद सिराज सैयद 22 वर्षीय है, सौद मोहम्मद फिरोज खान 27 वर्षीय है, मोहम्मद ताहिर अबुल कैस खान 26 वर्षीय है, चांद इकबाल शेख 32 वर्षीय है और 5वें आरोपी का नाम असलम सरब्बा है। इन लोगों पर धारा 395, 397, 341 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने अब तक लूटपाट की कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।